हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप में किसी का भी नंबर सेव कर सकते हैं और उसका व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप में किसी का भी नंबर सेव कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना होता है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कॉर्नर में आपको चैट बॉक्स दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर में न्यू कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर आकर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद सबसे पहले जिसका नाम नंबर आप सेव करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर उसका फ़ोन मोबाइल के सामने उसका नंबर आपको लिख लेना होता है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव का आइकन पे क्लिक करके सेव कर लेना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट सेव्ड दिखा रहा है। और इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर नाम उसका सर्च करके देख लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों उसका यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों अगर दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार हम नंबर सेव करते हैं और उसका नंबर शो नहीं करता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे आना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 नंबर पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे आकर टैप कर लेना होता है। और इसके बाद दोस्तों आप जब उसका नंबर सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिखाई देने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।